तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजी क्लासेस में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बेसिक वीडियो में मैथ्स के। अब मैथ्स की सीरीज हम लोग शुरू करने आ रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था तो कई चैप्टर शुरू किया जाए, तो मुझे लगता था टाइम एंड वर्क काफ़ी अच्छा है। बहुत लोगों ने चैप्टर तो नहीं बताया, पर हाँ बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, नहीं सर आना चाहिए बेसिक लेक्चर। बहुत लोग कह रहे सर फ्री होगा कि फ्री रखिएगा। अरे भैया फ्री रखेंगे, जब हमने पैसे नहीं दिए किसी चीज़ के लिए तो हम आपसे क्यों पैसे लेंगे। ठीक ठीक है ना। बस ये है कि क्या आपकी नीयत सच में है पढ़ने की, बस यही डिपेंड करता है। आज जो है ना, देखो लोग कहते हैं ना 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, पर तुम ये लिटरली बताओ, तुम अपने दिल से पूछ के बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि 10 लाख का कंपटीशन है? बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब पर जाने कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या वो रेगुलर किसी एक चैनल को पढ़ते हैं? मैं कहता हूँ आप मुझसे मत पढ़ो, मगर किसी एक चैनल से रेगुलर पढ़ो। यदि रेगुलर पढ़ोगे, किसी एक को फॉलो करोगे, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो, फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज सेम होता सबका। ठीक है, बस रिप्रेजेंटेशन कोई बहुत बढ़िया बढ़िया लाइट डिजिटल बोर्ड से आपको मनमोहित कर देता है, और कोई एक छोटे से बोर्ड पर ही पढ़ा करके आपका सिलेक्शन करवा देता है। डिसाइड आपको करना है आप क्या करेंगे। ये लेक्चर मैं आपके राय पे ही बना रहा हूँ, मैंने राय पूछी, बहुत लोगों ने राय दी, इसलिए मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। बेसिक से एकदम शुरू करूँगा, टाइम एंड वर्क उठाऊंगा। बस फर्क इतना है कि भैया इस वीडियो को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी व्यक्ति देख रहा है तो लगभग सबके पास 10 नंबर तो होते ही व्हाट्सएप पे, बस उन पे शेयर कर दीजिएगा। जो ग्रुप हो फेसबुक पे हो या फिर कहीं पर भी ग्रुप हो, आप वहाँ शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही है मेरा, और कुछ नहीं है। फ्री वीडियो आ रहे थे और आते रहेंगे, और मैं आपके लिए हमेशा काम करता रहूंगा। ठीक है, कंटेंट की मेरे पास कमी नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ कंटेंट की कमी नहीं है, और आप मेरा लेवल देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल तब आप बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आज हम एकदम बेसिक बात करेंगे, एकदम टेंशन फ्री रहो, पेन कॉपी छोड़ दो, अभी बस मेरी बातों को केवल सुनना कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। और बहुत ही चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जिससे पूरा टाइम एंड वर्क खत्म होगा, पूरा टाइम एंड वर्क। और हर सवाल 20 से 30 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगना है, इससे ज्यादा लगे लेक्चर छोड़ के चले जाना तुरंत। ठीक है, लेक्चर छोड़ के चले जाना, मैं सॉल्व करने में समय लग सकता है, पर 20 से 30 सेकंड से ऊपर सवाल में आप नहीं लगाएंगे, ये निश्चित है। पूरी सीरीज देखने के बाद आप बिल्कुल 20 से 30 सेकंड में कर पाएंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, पहले समझो टाइम एंड वर्क होता क्या है। ओके, थोड़ा वेट करना है। चलो, टाइम एंड, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रखा था कि यार मैं कुछ बनाऊं आपके लिए, कुछ शुरू करूं, एक एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के आऊं, मगर सही बताऊं तो मुहूर्त ही नहीं बन पा रहा था, मगर आज वो मुहूर्त बन गया। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क की बात करेंगे। देखो टाइम होता क्या है, टाइम होता है समय, और आज मैं ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा तो किसी ने बताया नहीं, ऊपर हर एक सवाल में आप लगाते हैं, समय और कार। हमको ये बताओ, यदि समय और कार, समय यदि कार को समय से भाग कर दे तो हमें क्या मिलेगी, कार को समय से भाग कर दे तो हमें क्या मिलेगी। और समझता हूं मैं, और समझाता हूं। कार जिसे मतलब मान लेते हैं 10 ईंट लगानी है, क्या लगानी है 10 ईंट लगानी है, और कितने दिन में लगानी है, मान लेते हैं 5 दिन में लगानी है, 10 ईंट लगानी है और कितने दिन में लगानी है, 5 दिन में। तो ये बताओ ये क्या आ गई, दो दो, ये क्या आ गई, इफिशेंसी आ गई, मतलब दक्षता, समझना मेरी बात, ये क्या आ गई दक्षता, ये होती क्या दक्षता, मतलब यदि हम पर डे दो 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 और दो और दो ईंट लगाएंगे तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा, ये काम 5 दिन में हो जाएगा। कितनी ईंट लगा रहे थे हर दिन, 2 ईंट लगा रहे थे, कितनी मतलब कुल ईंट कितनी थी 10, दिन हमारे पास कितने थे 5, दक्षता हमारे पास कितनी आई 2। ध्यान समझना, सारा खेल इसी का है, सारा खेल हर जगह मैं इसी का इस्तेमाल करने वाला हूं, यही एक फॉर्मूला, कार बटे समय बराबर क्या दक्षता, कार बटे समय बराबर दक्षता। थोड़ा इंग्लिश वालों को ले लेता हूं, तो दक्षता होती है भैया इफिशियंसी, क्या होती है इफिशियंसी, बराबर होता है टोटल वर्क बटे टाइम। ठीक है, टोटल वर्क बटे टाइम। भैया आवाज और वीडियो क्वालिटी कैसी है ये जरूर कमेंट कर देना। ठीक है, समझ नहीं आता, ठीक है, सारा काम इसी का है, सारा काम इसी का है। ठीक है, सारा काम,
अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं, ये तो आपको समझ में आ गया, दक्षता निकालते कैसे हैं। दक्षता निकालते हैं जब कार यानी टोटल वर्क और जो समय होता है उसको भाग कर देते हैं, हमारे पास दक्षता निकलती है। बस इसी का खेल है, सारा खेल इसी पर डिपेंड है, टाइम एंड वर्क। आप कैसे करते हैं मैं बताता हूं, एक छोटा सवाल लेता हूं। जैसे मान लेते एक किसी काम को 6 दिन में करता है और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो हम निकालते टोटल टोटल वर्क कैसे। एक फॉर्मूला होता है 1/टोटल वर्क बराबर 1/A1 + 1/AB। ये सवाल जो है आर्य अग्रवाल में इसी तरीके से सॉल्व कराया गया, महेश मिश्र में भी इसी तरह सॉल्व करवाया गया, और ऊपर यहाँ पर एक्स मैक्स, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स मान लेते हैं, और यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ ए की वैल्यू, यहाँ की बी की वैल्यू पूरी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू टोटल वर्क हमारे पास आ जाता है। हम बिल्कुल वो नहीं करने वाले, हम बिल्कुल वो करेंगे नहीं, ठीक है। जो किताबों ने किया वो तो हम करने वाले नहीं, ये तो सोच ही लो एकदम। चलो ये फॉर्मूला तुम याद रखना, ठीक है, बस इसको याद रखना, टाइम एंड वर्क तुम्हारे वहीं से खत्म हो जाएगा। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बच्चे कहते हैं थोड़ा बड़ा लेक्चर बना हो, यार हम बड़ा लेक्चर पता नहीं 1 घंटे का भी बना दे, पर जो काम 30 मिनट में हो सकता है उसके लिए मैं 1 घंटा क्यों बर्बाद करूँ, ठीक है। समय बहुत वेस्ट होता है उसमें, और मैं नहीं चाहता कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो, वो और भी कुछ उतने समय में पढ़ सकते हैं। चलो अब हम टाइप देखते हैं, कितने टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पे, टाइप देखें, ठीक है। ठीक है, देखो पहला टाइप तो एकदम सिंपल टाइप होता है, जब ए और बी ये कुछ समय में काम कर रहा है, ये कुछ समय में काम कर रहा है, और से हमारे टोटल वर्क निकलवाते हैं वो। उसी में एक और इसी का छोटा बड़ा भाई आता है, जब ए बी और सी तीनों मिल जाते हैं कि ये कुछ समय में काम कर रहा है, ये कुछ समय में काम कर रहा है, ये कुछ समय में काम कर रहा, और तीनों का टोटल वर्क बताइए। पर भैया इस समय वैरायटीज बहुत आती है, बहुत आती है वैरायटी, मैं दिखाता हूँ। ये ए यदि मान लो ये 6 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, और ये भी 6 दिन में करता है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 12 निकालेंगे तो ये 2, ये 1, ये 2, ठीक है, ये इसकी क्या आ गई, दक्षता। अब इसमें बहुत वैरायटी सवाल आएगा, जब ए बी काम करें, जब बी सी काम करें, या फिर जब सी ए काम करें, तो बताइए ए बी सी का टोटल वर्क कितना होगा, ठीक है। सब वैरायटी समझो, इसमें भी बहुत वैरायटी आती है सवाल में, टाइम एंड वर्क पूरा खेल है वैरायटीज पे, जितनी ज़्यादा वैरायटीज आप पढ़ लेंगे उतना बढ़िया रहेगा, और ये वैरायटी सारी मैं पढ़ा दूंगा, बिल्कुल परेशान न होना। टाइप वाइज हर एक क्वेश्चन को मैं एकदम इतने आसानी से क्लियर करूंगा कि आपके लिए हलवा हो जाएगा टाइम एंड वर्क, और जैसे ही टाइम एंड वर्क कंप्लीट होगा पाइप एंड क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, उसे करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ 10-12 सवाल में करवा दूंगा, आपका काम उसमें हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसी प्रकार टाइप वन टाइप टू, अब इसी में और आ जाएगा कि मान लेते हैं ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर लेता है, बी 3/5 भाग 8 दिन में कर सकता है, तो बताइए ए बी की एफिशिएंसी, ये भी एक सवाल आता है, ये भी एक टाइप बनता है, ठीक है। एक टाइप ये बनता है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए बी किसी काम को 6 दिन में करता है, तो बताइए ए अकेले कितने दिन में करेगा, ये भी बनता है। या फिर एक होता है कि मान लेते हैं कि ए 4 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, या फिर बी काम खत्म होने से पहले 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, ठीक है, ये भी एक वैरायटी का सवाल होता है। सवाल की वैरायटी बहुत टाइम एंड वर्क में बहुत ज़्यादा है, इसलिए बच्चों को टाइम एंड वर्क टफ लगता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ टाइम एंड वर्क टफ बिल्कुल नहीं है। अब मैं सवाल करवाने का थोड़ा सा प्रयास करूँगा, टाइप वन में थोड़े से हल्के हल्के क्वेश्चन में करवाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ जाए कि कैसे ये सवाल होता है, ठीक है। बिल्कुल परेशान न होना, सवाल को आराम से भी देखना देर, और एक बढ़िया जड़ीला सवाल मैंने रखा है, ऐसी बात नहीं है कि जो बच्चे थोड़ा टफ पढ़ने का आदि हैं उनको भी मैं उस चीज़ में लेके चलूंगा, परेशान ना होना, ठीक है। चलो अब मैं तुमको सॉल्व करना बताऊंगा, बहुत बच्चे कहेंगे अच्छा तुमने ये तो सब नौटंकी समझा दी, सॉल्व कैसे करते हैं, चलो हाँ देखते सॉल्व कैसे करते। एक सवाल मैं लेता हूँ, पहला सवाल लेता हूँ कि ए किसी कार को 6 दिन में कर सकता है और बी उसे 9 दिन में कर सकता है, बी से 9 दिन में कर सकता है, तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, दोनों मिलकर। देखो ये सवाल देखने में तो बहुत सिंपल, और सच में ये बहुत सवाल सिंपल है, बहुत सिंपल है,
पर जिसने बेसिक कुछ भी नहीं पढ़ा है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। और मैं आपको मैं बता देता हूँ, जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं या फिर भाई देख रहे हैं, आप इस चीज़ को समझो बेटा कि यदि आपका बैकग्राउंड मैथ नहीं है तब भी आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो मैथ आती है ना वो इंटर हाई स्कूल वाले नहीं आती है। आपने वो पैटर्न जो पढ़ा था वो एकदम अलग था, ठीक है, आपके जो टीचर पढ़ाते थे वो एकदम अलग पैटर्न था। यहाँ पर जो भी मैं पढ़ाऊंगा यदि आप खाली पन्ना है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि खाली पन्ने में मैं बहुत अच्छे से लिख पाऊंगा और जो मैं बताऊं इसी को फॉलो कर देना, हर सवाल होगा। चल अब हम निकालते हैं इसका इफिशियंसी, पहले निकाल इफिशियंसी कैसे निकालते, देखो तो ए है ये बी है ऐसे ही निकालेंगे। कितने दिन में कर रहा, 6 दिन में, ये कितने दिन में कर रहा, 9 दिन में, ठीक है। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं ए और बी, ये 6 दिन में, ये 9 दिन में, ये और ये जो 2 तीर है ना इसका मतलब है इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं। मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, तो बात वही है, इन दोनों का एलसीएम लो। अब एलसीएम लेना एक समस्या है, एलसीएम कैसे लेते हैं तुम्हें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, ना पता करो, तुम एक नंबर ऐसा ढूंढो जो 6 और 9 से दोनों से कटता हो। लोग घंटा भर कौन एलसीएम निकाल लेगा 6 और 9 को, बताओ, है बउआ वाली बात, इतना तो टाइम भी नहीं होता। तो बताओ 6 और 9 से ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों कैंसिल होती है, तो आपको पता 36। 36 ऐसी संख्या है जो दोनों से कैंसिल होती है। अब कहोगे यार ये तो छोटा था, अभी नंबर बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकाल देना, जो बच जाए उसका मल्टीप्लाई कर, किससे मल्टीप्लाई कर देना वो भी निकल आएगा। तरीका सबके लिए है, क्या तुम अप्लाई करना चाहते हो ये डिपेंड करता है तुम पे, यदि अप्लाई करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं करना चाहते हो तो फिर बात अलग है। अब इफिशियंसी निकालते, पहले इफिशियंसी क्या होता है भाई, देखो 6 से भाग करेंगे, 36 से भाग करेंगे 6 आएगा, यहाँ पर भाग करेंगे कितना आएगा 4। यदि हम बोले तो ये इसकी क्या आएगी, हमेशा याद रखना ये आती है दक्षता, क्या आती है भाई ये हमेशा दक्षता, ये हमेशा क्या होता है टोटल वर्क, ठीक है, और ये हमेशा क्या है, ये तो जाहिर सी बात है डेज है, क्या है ये डेज है। बात समझ में आ रही भैया, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत आराम से लेके चलूंगा, बेसिक एकदम बता रहा हूँ, ये क्या है टोटल वर्क, ये है दक्षता और ये है डेज। हमें बताना क्या है ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, हमको बताओ ए और बी मिलकर के काम कितने में कर रहे हैं, 10 दिन, इनकी दक्षता कितनी है 10 की है, 10 की दक्षता है, टोटल वर्क है कितना 36 है, ठीक है, हमें क्या बतानी है, हमें बतानी कितने दिन में कर पाएंगे। अब ये बताओ हमने फॉर्मूला क्या बताया, इफिशियंसी बता बराबर क्या होता है टोटल वर्क बटे क्या होता है टाइम, यही तो बताया हमने क्या होता है टाइम। अब ये बताओ हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास क्या है इफिशियंसी यहाँ रख दो 10, हमारे पास टोटल वर्क है यहाँ पर 36, टाइम हमारे पास बताना है इसको मान लो x, x को इधर भेज दो तो 36 बटे कितना 10, आंसर आएगा 3.6, यही क्या होगा हमारे राइट आंसर, दिख रहा है ना सारी चीजें, हाँ दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, सिंपल है, सोबर है, एक फॉर्मूला फिर मैं बता देता हूँ, ये हमेशा क्या आएगी दक्षता। मैं क्यों इस पे बार बार फोकस कर रहा हूँ कि सारी जड़ यही है, सारा खेल यही है। अब मैं एक और आपको बताता हूँ, ठीक है, ये सवाल नोट कर लेना, ठीक है, कोई चीज ना सुनना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं समझा दूंगा। अब जो फंडा बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत जबरदस्त है, यदि यदि मान लेते हैं सवाल को और शॉर्ट करना और हल्का करना, तो मान लो समय कितना दिया है 6 और 3 दिया हुआ है, समय कितना दिया है 6 और 3 दिया है, तो इफिशियंसी क्या होगा, इफिशियंसी जस्ट इसका क्या उल्टा उल्टा समझो, एक मिनट, यदि टाइम 1 और 2 दिया हुआ तो इफिशियंसी 2 और 1 होगी। कहोगे सर कैसे, मैं बताता हूं, यदि कोई व्यक्ति टाइम कितना 1 दिन ले रहा है और ये 2 दिन ले रहा है, यदि इसका काम कितना टोटल काम कितना होगा 2 दिन तो होगा, टोटल वर्क कितना होगा 2 दिन का होगा, टोटल वर्क कितना होगा 2 होगा, तो ये बताओ इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी कि इसकी एफिशिएंसी भाई, क्योंकि ये 1 दिन में काम कर रहा है और ये वही काम ये 2 दिन में कर रहा है, तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, एफिशिएंसी इस वाले की ज्यादा हुई, तो ये इधर आ जाता और ये इधर चला जाता है, ये भी है, और ये अप्लाई कहाँ होता है, ध्यान समझो ये वाला अप्लाई हो जाता है टाइम एंड वर्क में, सॉरी टाइम एंड वो ट्रेन वाले जो सवाल होता है ना, स्पीड और रिलेशन स्पीड वाला, जो स्पीड वाला होता है ना, जब हम लोग स्पीड निकालते तो अपोजिट कर देते, वहां पर भी यही फंडा क्या होता है अप्लाई होता है, ठीक है, समझ रहे हो। ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक, इसको मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैं इसका यूज करने वाला हूँ, मैं इसका यूज करूंगा, बहुत ज्यादा करूंगा,
इसलिए इसको भी आप याद रखना, यदि मान लो तो कि टाइम हमारा दिया है तो टाइम हमेशा अपोजिट होता है इफिशेंसी की, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, जो आपको समझनी होंगी, जो आपको करनी होंगी, इससे आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। फिर अगले लेक्चर में हम लोग कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम रखूंगा, 15 मिनट का रखूंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि ये फ्री है और मैं चाहता हूँ ये काम चलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच।